हेलो एवरीवन। तो जैसे आप सबको पता है कि आमिर का 7 जून को बर्थडे है और अभी 6 जून है। अभी रात के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। अभी तो हमने तैयारी शुरू कर दी है, शायद 9:30 बज रहे हैं। और क्योंकि अब आमिर तो है नहीं ब्लॉग बनाने के लिए, तो मुझे शूट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिखाना है आप लोगों को कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 12 बजे के बाद आमिर आ जाएंगे, लेकिन तब तक मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर कर लें। और लेकिन मैं वो भूल गई, जो मैं केक वेक लेकर आई हूँ बाहर, जो सामान खरीदा, वो सबका ब्लॉग बनाना मुझे बिल्कुल याद नहीं रही। लेकिन अब ना हम थोड़ा गिफ्ट ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, एक दो ही गिफ्ट मैं अरेंज कर पाई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गिफ्ट क्या देना है। तो ये हम बस पैक करने जा रहे हैं। आज की सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अकेली नहीं हूँ कुछ भी करने के लिए, बच्चों बाटी मेरे साथ है, ये सब लोग पैकिंग में मेरी हेल्प करेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ पैक करने को नहीं है, ये दो ही गिफ्ट्स हैं, ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आप 12 बजे के बाद देखिएगा कि इन गिफ्ट्स में क्या है, जब आमिर उसको ओपन करेंगे, और मैं देखना चाहती हूँ उनके रिएक्शन क्या होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और तुम ही करो क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। चलो स्टार्ट करो। ये अलवी ने ट्रॉफी बना चुकी है गिफ्ट की, अपने मामा को ये ट्रॉफी खिलाएंगी। बड़ा 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 बहुत बड़ा। अच्छा तो हम भी काट रहे हैं। चलो ये हो गया है, ये भी हो चुका है। एक्चुअली हमारी जो बर्थडे थीम है वो ब्लू वाइट कलर है, तो इसलिए हम जो रैपिंग पेपर भी मैं लेके आई हूँ ब्लू कलर का आई हूँ, थोड़ा मैं मैच करना चाह रही हूँ ब्लू वाइट। देखते हैं फाइनल हमारी डेकोरेशन कैसी होती है। हाँ, पैकिंग हो चुकी है और अलवीना टॉफी तैयार हो चुकी है। चलो फाइनली हम लोगों की डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों की, जैसे मैंने बताया था कि थीम ब्लू वाइट है, तो ये सारी थीम ब्लू वाइट रखी है, और वैसे देखने में तो सही लग रहा है। तुम लोगों को कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है। थोड़ी सिंपल है डेकोरेशन, बट ठीक है, सिंपल अच्छा होता है। फाइनली ये हमारा केक है। केक एक्चुअली मैंने कस्टमाइज करके बनाया है, तो हमें कैसे लग रहा है? तो इन सब तैयारियों के बाद आ गया वो टाइम जब आमिर सर को हमें आंखें बंद करके बाहर लेकर आना। तो किस बात की तैयारी, चलिए बाहर लेकर आते हैं। देखो यार, एक बात साफ कर दूं, आमिर सर को पता था कि कुछ हो रहा है बाहर उनके बर्थडे के लिए, पर ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो उनको हम आंखें बंद करके इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि उनको सरप्राइज मिल सके। खोलो। ये रिएक्शन और रिएक्शन सही रिएक्शन।
ब्रेन के ऊपर कुछ नहीं, ब्रेन के साथ कुछ नहीं पता है, वंस एयर हिट्स योर ब्रेन नेवर रिमेन द सेम, नेवर रिमेन द सेम। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और फिर आया वो मोमेंट जहाँ मैंने, अयान ने, इरम मैम ने और बाकी सब बच्चों ने सर का वो हाल किया जो आप अभी देख सकते। और मैंने तो सर के बाल तक नहीं छोड़े। अब ये ब्लॉग देखने के बाद सर मेरा क्या करेंगे इसकी गारंटी मैं आपको नहीं दे सकता। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं नज़र ना आऊँ तो सर से मेरे बारे में ज़रूर पूछना। और फिर आ गया वो मोमेंट जिसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि हमें जानना था कि रे मैम आखिर आमिर सर के लिए क्या लेकर आई। क्या होगा पता है, ब्लॉग अच्छा होना चाहिए। पर आमिर सर को तो बस चाहिए था कि उनका ब्लॉग बहुत अच्छा बने, बहुत सारे व्यूज आए और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए, तो ये हम कर सकते हैं वैसे आज। और आज ही उनका बर्थडे और हम उनको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स दे सकते हैं, तो जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो अभी कर लें। और इसके बाद हम दिखाते हैं कि रे मैम का आखिर गिफ्ट है क्या। करो सब्सक्राइब जाके पहले यार। बेटा सब ने बहुत मेहनत लगाई है। अगर मेहनत और क्रेडिट की बात हो रही है तो ये सब कुछ जो भी ऑर्गेनाइज करे वो करे हमारी इरम मैम ने। भले हमने डेकोरेट वगैरह में थोड़ी बहुत हेल्प कर दी हो पर सब कुछ सारी प्लानिंग इरम मैम की थी, तो सारा क्रेडिट यहाँ पर जाता है इरम मैम को। निकलेगा फोटो फ्रेम हो गई कोई ना कोई। अरे छोड़ो कल को देख लेंगे। ठीक है मत देखो, कल देख लेंगे। आपको जल्दी नहीं है देखने की? क्या ही होगा इसमें, ये तो खराब टूटा पड़ा है, ये तो टूटा हुआ जला हुआ है। ये ओफो कैमरे इधर दिखाना तो कैसा है? ये देखो बच्चा, ये शायद नीचे लगेगा इसका। हाँ स्टैंड है, ये लगा दो ना। अच्छा नहीं लग रहा ज्यादा, ज्यादा अच्छा नहीं है, ये तो यूजुअल सा है यार। मौत को छू के वापस आ सकता। ये फोटो बहुत प्यारा आया भाई।
मैं अच्छा लग रहा हूँ ना फोटो में? पिछली ईद के फोटो में ना ये तो छोड़ मैंने खींचा था, बाकी खींचा था ठीक है। सो नॉट इम्प्रेसिव। हंसते चेहरों का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। बिल्कुल सही। ला आ जाओ आगे बेटे। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा कस्टमाइज है, क्योंकि और क्या देती, सब कुछ तो है आपके पास। कार नहीं है? कार नहीं है मेरे पास। कैसे नहीं है? ये क्या है? डायरी है क्या पढ़ने की? बढ़िया है। कैसे खुले रहे? अरे यार कैसे खोल रहे हो? कुछ विंचन है ना ये? विंच स्माइल ये पुराना हो गया वैसे, ये मुझे 17 में मिल गया। ओह माय गॉड, एंजॉय योर हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही डॉक्टर। अच्छा फोटो है हमारे। ओह माय गॉड, आई नो आपको अपने बर्थडे की कोई एक्साइटमेंट नहीं है, इसलिए इट्स माय लिटिल एफर्ट टू मेक योर स्पेशल। सबको सुनना चाहिए ना। तुम ब्लश कर रही हो क्या? इनकी राइटिंग में लिखा हुआ है, हैंडमेड है ये। हैंडमेड है भाई वाकई में। आगे हाँ, ये ज़्यादा। तू है तो मुझे और फिर क्या चाहिए? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? नहीं भाई यही तो अच्छा है, पिक्चर परफेक्ट। ओफो, माय फेवरेट पिक्चर्स, दीज आर माय फेवरेट पिक्चर्स आमिरम। आवर फेवरेट पिक व्हेन आई लुक्स एट यू एंड आई स्माइल। ओ माय गॉड, कितना प्यार, कितने बच्चे तो यार आप। अलग से हैं क्या ये? पीछे वाले को देख लो, पीछे एक पर ही है। हर ये दुबई का है ना? काफी सारे पिक्चर, बड़ी मेहनत लगी होगी ना इसने में तो। यार अपने बर्थडे पे इतना सब कुछ मुझसे एक्सपेक्ट मत करना प्लीज। तो मैंने इसलिए नहीं किया कि आप मेरे बर्थडे पे करोगे। आवर फर्स्ट स्लीप पिक क्या होने वाला? पता चला मम्मा 10 बजे सो रहे थे उधर। 11:30 बजे उठ के आए। ये क्या है? के बर्थडे भी था क्या? कुछ नहीं, मैंडेटरी अवर वेडिंग पिक्स, वेडिंग क्लिक। पढ़ने दो ना, तुम पढ़ के सुनाओ ना, तभी तो मजा आएगा ना। तुम पढ़ के सुनो, अपनी अपनी आवाज में पढ़ो। अरे इरम आया अब्दुल्ला पढ़ना, क्या लिखा है यार? तुम बस हाथ थामे रखना, साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी। इट्स रियली, ये बहुत प्यारा है। वो अच्छा नहीं है? वो भी अच्छा है, नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा। इसमें पूरा वो है ना, सारी मेमोरीज है हमारी शादी से लेके अब तक के। बस खत्म। बहुत प्यारा है भाई, लेकिन पुराना है। पुराना को 17 में मिल चुका है। रुमान तो आगे चल रहा है ना। दोनों गिफ्ट यार सच में बहुत प्यारे हैं। ठीक है, ये तो ओपीडी में लगाने का है। लगा लेना, ये वाला 7 8 6 7। तो देखो यार, अब बारी आती है मेरे गिफ्ट की। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गिफ्ट दूं, तो मैंने सोचा कि सारी ऑडियंस की तरफ से सर को एक वीडियो गिफ्ट करते हैं। तो मैंने बना डाली, आप भी देख लीजिए कि कैसी है। आसान समझते हो क्या आमिर होना? ये वीडियो चला देना भाई, लोगों को भी ब्लॉग में दिखा देना। और फिर भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो इससे ये बात तो साबित जरूर होती है कि आप सिर्फ नीट एस्पिरेंट को इंस्पायर नहीं करते, बल्कि हर उस इंसान को करते हो हु हैव अ ड्रीम। सो टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग आवर 5.1 लाख यूट्यूब फैमिली एंड 1.5 लाख इंस्टाग्राम फैमिली, और उन सब की तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूँ,
हैप्पी बर्थडे सर। वाओ हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बढ़िया बनाया भाई, बहुत अच्छी। भगवान की आवाज भी बहुत अच्छी लग रही है और भगवान की शायरी भी। सो मच सर फॉर योर ऑल एफर्ट्स। आज मेरे लाल तो हमारा ये बर्थडे व्लॉग खत्म हो चुका है। अब आप कुछ कहना चाहेंगे हम सब की तारीफ में जो हम सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छी बात है कि हम लोग इकट्ठा हैं आज यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हमारी फैमिली इकट्ठी है। और क्या कहेंगे? एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं, ये वाला माइक है, ये तो ये वर्चुअल माइक। बाकी तुम कहो ना, मेरा बर्थडे में जो शर्म आ रही है। आपको शर्म आ रही है? ओ माय गॉड, आके रख लो, ढक लो शर्म में। पढ़ के सुनाऊं कुछ और? नहीं नहीं, चलो भाई थैंक यू। बहुत अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था, अनइमेजिनेबल। मैंने ये ब्लॉग किया था उसका 10 टाइम है मोस्टली। 7 जून को पड़ जाएगा ना ये ब्लॉग, बर्थडे ब्लॉग कल को पड़ जाएगा। बताना कैसा लगा सेलिब्रेशन। बाकी आप सब की विशेस तो हम लोगों के साथ हैं, विशेस देते रहना, गिफ्ट भी भेजते रहना। एड्रेस आप लोगों को पता है, नंबर 1065। गिफ्ट आएंगे आपके पास कल को, मुझे लग रहा है। आई होप सो। चलो बाय बाय, तुम सब तो बाय बाय कर दो। बाय तो आमिर सर ने कहा कि रोमान भाई तुम तो बाय बाय कर दो, तो मैं यहाँ पर बाय बाय करने आया हूँ। तो बहुत अच्छा था, इरा मैम ने बहुत अच्छा प्लान करा, आमिर सर को हर चीज़ पसंद आई, हम सब ने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी, पर इरा मैम को सारा क्रेडिट जाता है। तो अगर आप आमिर सर को कुछ गिफ्ट करना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपको पता है हमारा टारगेट 1 मिलियन है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचा दो। और हम डेली कोशिश करेंगे कंटेंट को और इम्प्रूव करने की, क्वालिटी को और इम्प्रूव करने की। तो बस हमें 1 मिलियन टच करवा दो। लव फ्रॉम आमिर एंड फैमिली। थैंक यू सो मच गाइस।